मायसेल्फ मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. मायसेल्फ डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा. मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट साइंस की फैकल्टी हूँ. और आपका जो कोर्स है FES 10, यानी फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आपका फंडामेंटल कोर्स है जो आपको फर्स्ट ईयर में आपका ये कोर्स होगा, या सेकेंड सेमेस्टर जो आप BCA वाले जो बच्चे हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर होगा. तो वहाँ उसके लिए बेटे पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो थी वो था आपका एनवायरमेंट, जो कल मॉर्निंग मैं कर चुकी हूँ कंप्लीट. सेकेंड यूनिट सर ने आपको नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ाई है. थर्ड यूनिट आपका पॉल्यूशन था. द फोर्थ यूनिट इज इकोसिस्टम, यानी परितंत्र. अगर आप अपनी बुक में देखें, आपकी बुक में होगा पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र. आपने बुक अगर देखी होगी तो उसमें होगा परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र. ओके सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी आपको कि इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक्चुअल में इकोसिस्टम आपका या परितंत्र क्या है. हम इन्वायरमेंट की जब मैंने बात आपसे कही थी तो हमने कहा था कि इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, आपकी जो भी सराउंडिंग्स है, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर जो भी चीज है, दैट इज योर इन्वायरमेंट. जो भी है ठीक है, वो आपके एयर है, वॉटर है, लैंड है, ये जा आपकी जो सारा सराउंडिंग्स है वो आपका है एनवायरमेंट. ठीक. अब आपकी सराउंडिंग्स के साथ, यानी उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. मैंने कल बात की थी कि आपके बायोलॉजिकल, आपके लिविंग और नॉन लिविंग बायोलॉजिकल, आपका बात की थी कल कि जो हमारे दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. इन जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्लस ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो, ठीक है, दैट योर इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम अगर हम कहें तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है. तो इसकी जो अगर मैं बहुत बेसिक से जाऊं तो पारिस्थितिकी तंत्र या आपका जो इकोसिस्टम है उसको से पहले जो आपका बात करूं, सबसे पहले टर्म आपकी दी है एजी टेस्ली. आपका जो वर्ड है वो सबसे पहले गया है एजी टेंसले के द्वारा 1985. नोट करना चाहें कर सकते हैं. टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहले टर्म एजी टेंसले, ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहले जो टर्म दी वो है एजी टेंसले ने दी 1935 में. फिर उसके बाद कई सारे लोगों ने दी तो मैं उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी. सिंपली यानी उन्होंने क्या कहा कि इकोसिस्टम द लिविंग कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एनी एरिया. किसी भी एरिया में जो लिविंग कम्युनिटी होती है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरैक्शन होता है. सिंपली कहा कि आपका जो इंटरैक्शन जो होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम. अभी डिटेल में हम बात करेंगे. अब जैसे कल कहा था कि इन्वायरमेंट का की बात कही थी ना कि बिल्ट इन्वायरमेंट, मैन मेड इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, मैंने कई सारी चीजें कही थी आपसे. तो वो अगर हम कहें, अब आपका जो इकोसिस्टम की भी बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम भी क्या होता है आपका कि इन्वायरमेंट कहें, सॉरी आपका इकोसिस्टम, ये भी आपका दो तरह से होगा. ठीक है, इकोसिस्टम आपका दो तरह का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड से क्या मतलब है आपका. नेचुरल इकोसिस्टम में वो चीजें आएंगी जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, जैसे आपका फॉरेस्ट है, आपके ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, या आपने कहा एक्वाटिक इकोसिस्टम है, आपने कहा पॉन्ड है, रिवर है, फ्रेश वाटर है. तो ये कई सारे टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम. अब मैन मॉडिफाइड आप कहेंगे, मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम मैंने आपसे कहा कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग को कहते हैं आपका सिंपली किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट के साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो है उसका इकोसिस्टम. ठीक है, सो मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए किसी भी एरिया में जहां वो रहते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर जो लैंड होगी वहां पर भी जो भी क्रीचर्स हैं या हम हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा, एग्रीकल्चर लैंड, यानी ये एग्रीकल्चर लैंड किसने बनाई, हमने बनाई, मैन मेड है, इसीलिए इसका जो इकोसिस्टम होगा
मैन मेड इकोसिस्टम होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लांट हम अपने अपने अकॉर्डिंग चूज करके लगा रहे हैं, कहीं पर हमें धान लगाना है, कहीं हम गेहूं लगा रहे हैं, तो कहीं हम लेग्यूम्स लगा रहे हैं यानी हम दालें लगा रहे हैं, कहीं पर सीरियल्स लग रही हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्लांट चेंज होगा उसका इकोसिस्टम भी चेंज होगा। अगर फ्लावर्स है तो वहां पर हनी बीज होंगी यानी उनका एक अपना सिस्टम होगा, लेकिन अगर यहाँ पर धान और गेहूं है तो वहां पर अलग तरह के इंसेक्ट होंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, यानी जो हमने मॉडिफाई किया वो सिस्टम हुआ आपका मैन मेड या मैन मेड इकोसिस्टम या मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम हम कह सकते हैं। अर्बन रूरल इंडस्ट्रीज जो भी आपने कहा, मैंने कल भी बात की थी कि जब हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमने काफी सारी चीजें चेंज की हैं, प्लांटिंग पैटर्न चेंज हुआ, सिविलाइजेशन जैसे जैसे बड़ा है तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बढ़ने की वजह से हमने कहा कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहां पर का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, प्लांट में भी पहले बहुत सारे प्लांट रहे होंगे, अब नहीं होंगे, वहां बिल्डिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज बन गई होंगी, तो उस इंडस्ट्री का भी अपना एक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, अब आते हैं आपका, आपने कहा एजी टेंसले ने सबसे पहले 1935 में ये वर्ड दिया, तो इसी से जो मैंने इकोलॉजिस्ट कहा तो एक छोटा सा टर्म और आता है इकोलॉजी, इकोलॉजी ठीक है पारिस्थितिकी, सॉरी इकोलॉजी यानी परितंत्र। ठीक, इकोलॉजी आपका अर्नस्ट हैकल, आप नोट करना चेक कर सकते हैं, अर्नस्ट हैकल ने 1869, वैसे अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में सब ये इंफॉर्मेशन है, अर्नस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी टर्म दिया। और अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो आरसी मिश्रा जो डेफिनेशन दी थी, इंडियन साइंटिस्ट उन्होंने दी थी, आरसी मिश्रा जी ने, उन्होंने कहा पारिस्थितिकी आकार प्रकार विभिन्न आकारों के बीच पारस्परिक संबंध है, यानी सेम चीज कि आपने कहा कि जो इकोसिस्टम इंडियन परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आरसी मिश्रा जी ने जो डेफिनेशन दी है उन्होंने कहा कि आपका जो इसके बहुत सारे जो कारक हैं यानी फैक्टर्स हैं, अभी हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं अब बात करूंगी कि आपको अगर इकोसिस्टम डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है और फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अर्नस्ट हैकल यानी 1869 में इकोलॉजी टर्म दिया, और अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो आरसी मिश्रा जी ने जो इकोसिस्टम को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का उसके फैक्टर्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो आपका पारिस्थितिकी है। ठीक, अब यहां पर जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी इकोसिस्टम को आपको डिफाइन करना है तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, पहला है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट और दूसरा है फंक्शनल एस्पेक्ट। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या आता है, अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम मैंने आपसे कहा कि वो आपका वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकते हैं, वाटर से रिलेटेड होगा तो एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब एक्वाटिक के अंदर भी कई सारे हो सकते हैं, रिवर का अपना एक इकोसिस्टम होगा, लेक का अपना होगा, पॉन्ड का अपना होगा, ठीक है, एंड स्प्रिंग्स का अपना होगा। तो हर वाटर ही है चारों में, लेकिन उनके चार टाइप होंगे क्योंकि उसमें जो आपके क्रीचर्स होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, चलिए इस पे फर्दर फिर आएंगे। तो ऐसे ही अगर लैंड फॉर्म्स की मैं बात करूं, अगर लैंड की बात, अगर फॉरेस्ट का एक अलग तरह का इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड्स का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होगा, ट्रीज का पर्टिकुलर एक ट्री का भी अपना इकोसिस्टम होता है, वो आप फर्दर डिस्कस करूंगी मैं इसको, मुझे लगता है शायद इसमें दो क्लास होंगे आपकी। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म का अपना इकोसिस्टम होता है, अब उस इकोसिस्टम को आपको डिफाइन कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में सिक्स फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिक्स फैक्टर, फर्स्ट इज योर इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट, किसी भी इकोसिस्टम में एक इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट होता है, अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन CO2 वाटर, ठीक है, इनका रोल होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होगा, जहां प्लांट्स होंगे वहां CO2 होगी, कार्बन होगी, नाइट्रोजन होगी, वाटर होगी, ये इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आपने कहा
ये आपके कार्बन हो सकती है, हाइड्रोजन, यानी एटमोस्फेरिक जो गैसेस, कल मैंने आपको बात की थी, कल मॉर्निंग जब हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की, तो मैंने कहा था कि हमारे सराउंडिंग्स में जो एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है हमारे सराउंडिंग्स में, उसे हमने कहा एटमोस्फेयर, और उसमें हमारी क्या होती है, सारी गैसेस होती हैं। तो हमारी सराउंडिंग्स में नेचुरली किसी भी इकोसिस्टम के सराउंडिंग्स में वो गैसेस भी हैं, यानी आपके प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लाइमेटिक विदिंग्स। क्लाइमेटिक विदिंग्स मीन्स अगर हमारे पास एटमोसफेयर है तो गैसेस होंगी, क्लाइमेट है तो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, मॉइस्चर होगा, लाइट होगी, और उसकी टोपोग्राफी होगी यानी फिजिकल फीचर्स होंगे। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी इकोसिस्टम का बेस है उसके प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फर्दर हम आगे मूव करेंगे। वैसे अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे, जो उत्पन्न करेंगे, अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स आपके क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारे जो इकोसिस्टम में सबसे मेजर रोल है प्रोड्यूसर्स का, और वो प्रोड्यूसर्स है हमारे प्लांट। वो प्लांट ग्रासेस हो सकती हैं, वो ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, वो ट्रीज हो सकती हैं, वो श्रब्स हो सकती हैं, वो हर्ब्स हो सकती हैं, वो प्लांट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो भी हो सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इकोसिस्टम, किस तरह के इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। देन माइक्रो मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स जो बड़े होंगे, कंज्यूम करना मतलब लेंगे, जो अपटेक करेंगे, यानी लार्ज एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स को इनटेक करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, वो हो गए आपके मैक्रो कंज्यूमर्स। और माइक्रो कंज्यूमर्स जो छोटे छोटे एनिमल्स जो डिकम्पोज करने का काम करेंगे, ठीक है, यानी आप कहना चाहिए एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करेंगे, जो कंज्यूम करने का काम करेंगे, माइक्रो कंज्यूमर्स यानी छोटे छोटे, यानी इसमें फंगस हो सकती है, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शनल एस्पेक्ट में, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट था। देन बात करते हैं आपके फंक्शनल एस्पेक्ट की। फंक्शनल एस्पेक्ट किसी भी इकोसिस्टम का, सबसे पहले आपके पांच तरह की फंक्शनिंग, किस तरह की फंक्शनिंग करेंगे, तो फंक्शनिंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर, यानी किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन मतलब वो क्या काम करेंगे। अब इकोसिस्टम की जरूरत क्या है आपको, आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या उससे बेनिफिट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात आएगी एनर्जी साइकिल, यानी आपके, अब एनर्जी साइकिल में आपके होगी, देखिए गैसेस की साइकिल होगी, और एनर्जी, एनर्जी साइकिल मतलब एनर्जी कहाँ से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर आपको किसी भी काम को करने के लिए, आपकी ह्यूमन बीइंग्स को भी अपने किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इस एनर्जी, सेम थिंग आपके प्लांट्स को भी अपनी डेली एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी है कहाँ, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। हम अगर बात करें तो हमने कहा हमने फूड इनटेक किया, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हमारे लिवर में और फंक्शनिंग के थ्रू हमारी उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो सेम प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, ये अब आपको फर्दर बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अच्छा एनर्जी साइकिल्स में अगर बात करें तो इसमें बेटा वाटर साइकिल भी आएगी, इसमें ऑक्सीजन भी आएगा, इसमें नाइट्रोजन साइकिल भी आएगी, कार्बन साइकिल भी आएगी, आपके चैप्टर का पार्ट है, इसको फर्दर हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देन आते हैं फूड चेन। फूड चेन का मतलब फूड खाद्य चेन श्रृंखला, बहुत इजी चीज है। अगर आप बिल्कुल बेसिक में चले जाए ना, अगर आप बहुत फूड चेन एक्चुअल में क्या है कि क्या मतलब है कि फूड कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जो चेन बनी हुई है सिस्टम में। आपको पता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम बैलेंस बना के चलता है, एक जगह से कम होगा तो एक जगह से ज्यादा होगा। अगर आपके उसमें अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता यानी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही हूँ, आगे आपको बताऊंगी अभी, जैसे आप पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ से, हमारे पास अगर खाली घास होती, उसको खाने के लिए बकरी नहीं होती, तो क्या होता, पूरी दुनिया में केवल घास ही घास होती होती यानी उस ग्रास को कंज्यूम करने के लिए भी कुछ चाहिए, और उस बकरी को कंज्यूम करने के लिए भी कुछ चाहिए। वरना क्या होता कि घास तो बकरी ने खा ली, लेकिन फिर पूरी दुनिया में बकरियां बकरियां होती, अगर उनको
खाने वाला कोई नहीं होता। तो इकोसिस्टम यानी आपका एनवायरमेंट अपने आप में बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस बनाता है ड्यू टू दिस फूड चेन। यानी प्रोड्यूसर भी होंगे तो कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स होंगे, और जब उनकी डेथ होगी तो उनको डिके करने के लिए यानी उनको रिमूव करने के लिए, एनवायरमेंट से रिमूव करने के, डेड एंड डिके आपके जो होंगे वो, सॉरी, प्रोड्यूसर्स होंगे तो कंज्यूमर्स भी होंगे, और कंज्यूमर्स होंगे तो डिकम्पोजर्स भी होंगे जो उनको डिकम्पोज भी करेंगे। ठीक है, अब फूड चेन। ठीक है, तो अलग अलग तरह की, जैसे आपने, मैंने आपको कहा आपका ग्रास को बकरी ने खाया, बकरी को बाघ ने खाया, और बाघ को फिर आपके जो फंगस है या जो बैक्टीरिया है इन्होंने डिकम्पोज कर दिया जब उसकी डेथ हुई। ठीक, देन उसके बाद आते हैं, अब ये तो एक तरह की फूड चेन, जब कई तरह की चेन मिक्स हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना बकरी को केवल बाघ ही खा सकता, उसको और भी चीजें खा सकती है, या घास को केवल बकरी खाएगी ऐसा तो नहीं है, डियर भी खाता है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका डियर है, एलिफेंट है, आपका हेयर है, आपके कई सारे एनिमल्स हैं जो ग्रास पे फीड करते हैं। तो ये जो फूड चेन है, जब ये कई तरह की फूड चेन मिक्सअप होती है तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसे कहते हैं फूड, एक जाल बना देती है कंबाइंड होकर, तो उसे कहते हैं फूड वेब। ठीक है, आगे फर्दर हम इसमें भी डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, इंटरलिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो बात कर रहे थे जैसे फूड चेन फूड वेब का, अब ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरलिंकेज की बात मैंने की थी इकोसिस्टम में ना, मैंने आपसे कहा था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है या इंटर रिलेशन होता है, इंटरलिंकेज होती है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरलिंकेज होती है वो कई तरह की होती है, ये म्यूचुअलिज्म हो सकता है, ये सिम्बायोसिस हो सकती है, ये पैरासिटिज्म हो सकता है, ये कम्युनलिज्म हो सकता है, तो ये कई तरह के हैं। ठीक है, ये मैं आगे फर्दर आपको इसमें डिटेल में हम जाएंगे। देन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो मैंने बायो जियो केमिकल साइकिल, जो मैंने अभी आपसे कहा एनर्जी साइकिल एंड बायो जियो केमिकल साइकिल, मैंने कंबाइन आपको बताया कि बायो जियो केमिकल साइकिल एक्चुअल में क्या हुई कि आपका एटमोसफेयर में जो भी गैसेस हैं या जो भी आपके एटमोस्फेरिक गैसेस हैं, सॉरी, न्यूट्रिएंट हैं, उनकी जो पर्टिकुलर साइकिल है, जैसे कार्बन कहा तो कार्बन नेचर से जब जाएगा तो वापस कैसे आएगा, इसकी जो कंप्लीट रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। यानी आपके बायो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और बायो जियो केमिकल साइकिल, या कि इसमें आपके सारी गैसेस की साइकिल, या आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शनिंग करता है, जो बात आएगी वो है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, सो ये हम डिटेल, ये तो आपका एक सब आउटलाइन थी जिसके बारे में मैंने बात की। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें किसी भी इकोसिस्टम का, तो बेटा इकोसिस्टम में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉरी, लिविंग कंपोनेंट यानी बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग बींग्स यानी प्लांट एनिमल ये सब आ गए, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में क्या आएगा आपका, आपका सॉइल आ जाएगी, आपका क्लाइमेट, मैंने कल आपको ये नॉन लिविंग चीजें सारी बताई हैं कि आपका क्या क्या आएगा, जैसे अभी मैंने कहा कि आपके फिजिकल कंपोनेंट्स यानी सॉइल आ गया, लैंड आया आपका, ये चीज, वाटर, इस तरह की चीज। केमिकल कंपोनेंट में गैसेस, जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स की मैं बात कर रही हूँ वो आएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इकोसिस्टम एक्सप्लेन करना हो तो आपको इतने कंपोनेंट उसमें डालने पड़ेंगे, यानी पहले बायोटिक कंपोनेंट क्या है, उसके एबायोटिक क्या है। ठीक है, देन उसके बाद बायोटिक के अंदर फिर फर्दर सब डिविजन होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स का, और नॉन लिविंग में होता है फिजिकल कंपोनेंट एंड केमिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जो चीजें आपको फिजिकली देख पा रहे हैं आप, मैंने कल बताया था आपको कि जब सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल के फिजिकल पैरामीटर, जैसे उसका मॉइस्चर कैसा है, उसका आपका सॉइल का ह्यूमिडिटी कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ये सब चीजें, और टेक्सचर कैसा है मेनली। देन केमिकल कंपोनेंट मीन्स उसका केमिकल कंपोजिशन, यानी उसमें न्यूट्रिएंट किस तरह के हैं, जो वो बात करें वो है केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये तो मेन मेन आपके तीन ग्रुप है, जैसे आपने कहा प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर्स जो इनपे फीड करेंगे, डिकम्पोजर जो उनको फाइनली अर्थ से वापस अर्थ में ले आएंगे। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर्स फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डिट्रीवोर्स। ठीक है,
इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। तो अब ये है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर सिंपली क्या हुए कि जिन्होंने आपका, जो आपके फॉरेस्ट में, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो प्रोड्यूसर्स वो होंगे जिन्होंने, जो क्या कर रहे हैं आपके उसमें, प्रोड्यूसर्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो कहता है कि अगर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स, यानी जो आपका बेस फॉर्म कर रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम में, जो बेस फॉर्म कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं। इन मेनली जो किसी भी इकोसिस्टम में पौधे ही क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। और सनलाइट इसका मेन एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। सनलाइट जो है मेन एनर्जी सोर्स है अर्थ का। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। और आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं दो तरह से यूज करते हैं, ये इसमें फोटोसिंथेसिस होगी प्लस केमोसिंथेसिस होगी, यानी फिजिकल एनर्जी, फोटो एनर्जी यूज करते हैं प्लस केमिकल एनर्जी यूज करते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए, यानी दो तरह के प्रोसेस से ये अपना फूड फॉर्म करते हैं, ठीक है। देन आते हैं आपका नेक्स्ट देन फोटोसिंथेसिस की अगर बात करूं, कभी कभी पूछा जाता है ऐसा, जहां तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन है, आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बेस छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। CO2 आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, मैंने दो चीजें आपसे कही। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, CO2 और वाटर की जो रिएक्शन होती है, 6CO2 प्लस 6H2O, ये लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो बनाती है ऑक्सीजन प्लस C6H12O6, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी प्लांट के लीव्स पे जब सनलाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस पे इसकी जो CO2 है, प्लांट आपके लीव्स में जो CO2 प्रेजेंट रहती है, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, बिना लाइट एनर्जी के नहीं, लाइट एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं होगी, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है, यानी ग्लूकोज फॉर्म करती है। ये जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया से परफॉर्म होगी, केमिकल एनर्जी यूज करेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन होगी और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, यानी अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है दोनों ही के केस में, यानी ग्लूकोज फॉर्म होता है या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स। अब अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स क्या, ऑर्गेनिज्म दैट रिले ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स यानी हमने कहा सिंपली, जैसे प्रोड्यूसर्स मैंने कहा था कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह से करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ठीक है। कंज्यूमर्स ये अपनी एनर्जी या फूड अपटेक के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, अपनी फूड और एनर्जी सप्लाई के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स को ये फीड करेंगे। जैसे ये ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे तो इनको क्या मिलेगा, फूड भी मिलेगा प्लस उससे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑब्वियसली वहां पर कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये प्रोसेस क्या होगी, ये क्या करेंगे, इनका फूड एनर्जी नीड दूसरे प्लांट से या दूसरे जगह से फुलफिल होती है। इनको हेटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है, इनको ऑटोट्रॉप्स का ऑटोमेटिकली अपना फूड फॉर्म करते हैं, हेटरोट्रॉप्स ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने भी आपसे कहा था कि हेटरोट्रॉप्स में आपके पहले होंगे हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट्स खाएंगे उन्हें हर्बीवोर्स कहेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हर्बीवोर्स जो केवल हर्ब, HERB, हर्ब, हर्ब में हर्ब क्या होती है, जो प्लांट का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, सबसे छोटा है, वो हर्ब होंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहेंगे। कार्निवोर जो केवल एनिमल खाएंगे, ठीक है। देन थर्ड नेक्स्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं
जो दोनों चीज खाते हैं, यानी प्लांट भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, ठीक है, वो हो गए ओमनिवोर, ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। एंड देन डिकम्पोजर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिकम्पोजर्स नहीं होते तो क्या होता, जितना भी डेड एंड डिकिंग मटेरियल है वो सारा का सारा हमारी अर्थ पे ऐसा ही पड़ा रहता, और वो क्या होता, वो ऐसा ही रहता, और वो इतना डिकम्पोज नहीं होता तो क्या होता, हमारी धरती रहने लायक ही नहीं होती। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पूरी तरह से, उसको आपका न्यूट्रिएंट या ह्यूमस फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स आर मोस्ट, जितना इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं उतने ही इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स भी हैं। सारे के सारे जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अगर एक भी मिसिंग होता तो हमारी अर्थ में जो साइक्लिंग चल रही है, जो बैलेंसिंग चल रही है, वो नहीं हो पाती, ठीक है। देन अब आते हैं फीडिंग इंट्रैक्शन की, यानी कैसे ये एक दूसरे से फीड ले रहे हैं, कैसे फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है सिंपली, आपका जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में, वो तो वन डायरेक्शन है। वन डायरेक्शन मतलब सारे के सारे जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, सन से एनर्जी लेते हैं, या कहना चाहिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं और उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफर होती है हेटरोट्रॉप्स में, हेटरोट्रॉप्स से ट्रांसफर होती है, यानी कहना चाहिए अगर प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स से डिकम्पोजर्स में, और डिकम्पोजर्स से वापस जो डेड एंड डीकिंग मटेरियल ये डिकम्पोज करते हैं, तो और कहाँ चला जाएगा, वो सॉइल में चला जाएगा। सॉइल में जाएगा तो प्लांट क्या करेंगे, उसे अपटेक करेंगे, यानी पूरी साइकिल एज इट इज चलती रहेगी। अब फर्स्ट लाइन मैंने कहा कि फ्रॉम द सन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो चीज के। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आए, मैंने आपको कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर, ये सब कहा था ना इनिशियली, जब इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था तो कहा था कि आपका या तो ये एनर्जी सन से लेंगे या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आ गए, देखिए प्रोड्यूसर्स ने सन से एनर्जी ली, फूड फॉर्म किया, उसके बाद इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर से, या वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, वो आपके कार्निवोर्स हो सकते हैं, वो ओमनिवोर्स हो सकते हैं। तो इन्होंने जब इन हर्बीवोर्स को या प्लांट्स को खाया तो क्या किया इन्होंने, उसके बाद इन कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया और वापस ये सॉइल में मिक्स हो गए। सॉइल में मिक्स हुए तो न्यूट्रिएंट कहाँ मिले, सीधे सीधे सॉइल से प्लांट ने अपटेक किए, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फूड चेन, जो मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। हर्बीवोरस जो एनिमल्स की बात हम कर रहे थे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो पहला, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो पहले आपके फूड को इनटेक करते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं, फॉरेस्ट के केस में बात करूँ तो इंसेक्ट हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं या मैमल्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वाटर की बात करूँ तो स्मॉल जो फिशेस होती हैं जो एल्गी पे फीड करेंगी वो हो सकती हैं, ठीक है। कार्निवोरस की बात करूँ तो टाइगर है, लेपर्ड है, जैकाल है, फॉक्स है, ठीक है, वाइल्ड कैट है ये। अब डिकम्पोजर्स स्मॉल एनिमल्स, यानी आपके वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आपके डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। डेड ऑर्गेनिक मेटल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। डेड ऑर्गेनिक मेटल एक्चुअल में क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हुए, सिंपल सब्सटेंसेस यूज बाय द प्लांट फॉर म्यूचुअलिज्म, आपके न्यूट्रिशन के लिए जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स वो लेते हैं उसे क्या कहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मेटल। चलिए ये आपके आगे बात करते हैं फिर। ओके, फूड चेन की मैं बात करूं तो फूड चेन मैंने आपसे कहा कि जब ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है ना, या एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो जब वो फूड इनटेक करता है या एनर्जी ट्रांसफर करता है तो जितने स्टेप्स में ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, जितने भी स्टेप्स में ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन, उसको फूड चेन कहते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग और बीइंग ईटन, या तो खा रहे हैं उसे या खाए जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो सीरीज को, स्टेप्स को कहते हैं फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन आपके इसमें मैंने आपसे कहा कि गो इज डायरेक्शन, यानी एनर्जी कहाँ से किस तरफ को मूव करेगी। अगर ये बहुत, अगर आपको विजिबिलिटी है प्रॉपर दिख रहा है तो देखिए, एक फूड चेन का एग्जांपल आपका है कि ग्रास है,
उसको क्रिकेट ने खाया, देन उसके बाद उसको फ्रॉग, क्रिकेट को फ्रॉग ने इंटेक किया, फ्रॉग को रैक ने इंटेक किया। तो ये एक है आपका हमेशा जो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और फिर जाके वो जाएगी और हमेशा एंड होगी कंज्यूमर पे या टॉप कार्निवोर्स कह सकते हैं आप, टॉप कंज्यूमर या कार्निवोर्स एनिमल्स पे जाएगी। यानी स्टार्टिंग हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, वो प्रोड्यूसर्स कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अब बात करें अगर फूड चेन की, ये भी एक तरह की फूड चेन है। आप देख रहे हैं कि ग्रास को सॉरी ये आपका फूड वेब बन गया आपके फूड चेन। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल आपको जाऊंगी। तो फूड चेन आपके दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डिट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है, अब जैसे ग्रेजिंग क्या हुआ, एनिमल्स जो खाते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजिंग किसकी होती है, ग्रास की होती है। तो जो फूड चेन ग्रासेस से स्टार्ट होती है, जिसका प्रोडक्शन मटेरियल, जिसका प्रोडक्शन सबसे पहले जो है वो होगा आपका, अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन ग्रासेस जहां होती हैं उसको कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। यानी पहला जो प्रोड्यूसर होगा वो ग्रास होगी, ठीक है, जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है फूड चेन में, ये एक ग्रेजिंग फूड चेन है। डिट्रिटस फूड चेन, या इसको हिंदी में अगर कहें आपकी बुक में, अपरद खाद्य श्रृंखला है। सेकंड, अपरद खाद्य श्रृंखला मतलब जिसकी जो बिगिनिंग होगी डेड एंड डिकिंग मटीरियल से होगी, ठीक है, जिसका पहला जो प्रोड्यूसर होगा डेड एंड डिकिंग मटेरियल होगा वो होगी डिट्रिटस फूड चेन। 90% जो हमारी फूड चेन होती है वो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने जो आपको बताई थी, खाद्य जाल या फूड वेब। तो फूड वेब आपको मैंने बताया कि फूड वेब एक्चुअल में क्या होता है, कि फूड चेन जब बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं फूड वेब। यानी फूड चेन का जो नेटवर्क है, जो जाल है, उसे कहते हैं फूड वेब। आप देख रहे हैं इसमें क्या है, आपकी ग्रास को रैकन्स ने भी खाया है, माइस ने भी खाया है, ठीक है। अब इस माइस को देखिए, रैकन्स भी खा सकते हैं, वी सील्स भी खा सकती हैं, हॉक्स भी खा सकते हैं। यानी तीन या चार तरह की जो आपके फूड चेन है वो कंबाइंड हो जा रही है, तो उसे कहते हैं फूड वेब। लेकिन बात सब में एक ही है कि हमेशा ये भी स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से और जो लास्ट होगा वो होगा टॉप कंज्यूमर यानी कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज, अब आपका फूड चेन ये हुआ और फूड वेब ये हुआ, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेब के बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फूड वेब के, आप देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिए फूड वेब का एग्जाम्पल है जो अभी दिया था आपको, इसमें देखिए आप अगर देख रहे हैं ये आपका जो डायग्राम है इसमें ग्रीन ग्रासेस बनी हुई है नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल आपका हर्बीवोर, हर्बीवोर जो केवल ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। अब हर्बीवोर्स में क्या आ गया, आपका टिड्डा है, आपका चूहा है, और आपका थर्ड आपका खरगोश है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब देखिए दो तरह के नाम मैं ले रही हूँ, एक तो मैंने कहा हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब ये केवल क्या खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी इन्हीं को कहा जाता है, हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और जो आपके ग्रीन प्लांट्स थे इनको आपने प्रोड्यूसर्स कहा, प्लस ये ऑटोट्रॉप्स भी इनको कहते हैं, दूसरा नाम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी जो इनको कंज्यूम करेंगे। अभी देखिए टिड्डे को माइस ने खाया, ठीक है, अब इसको चूहे ने खाया, और इसको फिर किसने खाया, ये आपका काइट है। तो ये टर्शरी कंज्यूमर्स यानी टॉप कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर ये स्नेक ने चूहे को खाया, तो ये इंटरलिंक्ड है, कई सारी फूड चेन जब एक साथ मिलती हैं तो उसे कहते हैं फूड वेब, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉफिक लेवल, में एक बात कर रहे थे आपको ट्रॉफिक लेवल की। किसी भी फूड चेन में, मैंने आपसे कहा या फूड चेन या फूड वेब में एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। अब एनर्जी कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर होगी, मैंने कहा पहला लेवल हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होता है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स हम बात करते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, अगर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी है, आप फिगर देखिए, इसमें प्रोड्यूसर्स नंबर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा ऑटोट्रॉप्स, हमने जिसको कहा प्रोड्यूसर्स को हमने कहा
ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हमेशा नॉर्मली नंबर में ज्यादा होते हैं। देन आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर नंबर की बात करो तो ऐसे समझ लीजिए, ग्रास क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसपे खाने, उसको खाने वाले खरगोश क्या होंगे, वो कम होंगे। और उस खरगोश को खाने वाले स्नेक जो होगा वो और कम होंगे, और स्नेक को खाने वाले जो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड है वो और कम होंगे। तो नॉर्मली जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है, ये हर कंडीशन में नहीं होगी, पर कुछ कंडीशन में फूड चेन में प्रोड्यूसर्स कहाँ नहीं होगी वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें बात करेंगे आगे फर्दर की कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली 90% जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा नंबर में ज्यादा होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री आप देख रहे हैं। तो लेवल वन में प्रोड्यूसर्स हैं, लेवल टू में आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, लेवल थ्री में आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स दोनों ही हो सकते हैं। कार्निवोर्स ओमनिवोर्स मैंने आपको बताया, कार्निवोर्स क्या होते हैं जो एनिमल्स पे फीड करते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों पे फीड करते हैं, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स यानी टॉप कार्निवोर्स, यानी सबसे ऊपर यानी ट्रॉफिक लेवल का जो लास्ट होता है वो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। देन ओके नेक्स्ट आते हैं बहुत डिटेल में अभी इसको, हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड चलिए। सो इकोलॉजिकल पिरामिड किसी भी सिस्टम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब आपने कहा ये आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, जिससे पहले भी हमने कहा प्रोड्यूसर कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर, ये मैं बता चुके हैं आपको कि अब इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअल में क्या होते हैं, वो डायग्राम जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी या ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को जो डायग्राम शो करता है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अब पिरामिड क्यों कहा इसे, ओके चलिए आगे बात कर रहे हैं इसमें। अब हमारे पास मैंने कहा कि हमारा जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ये जैसे जैसे आपके एनर्जी ट्रांसफर होती है उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, उस एनर्जी ट्रांसफर को जो शो करता है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब आपके इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो आपके क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड, एनर्जी पिरामिड एंड बायोमास पिरामिड, ठीक है। नंबर नंबर की अगर बात करूं तो नॉर्मली अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हरी घास हमेशा संख्या में ज्यादा होगी, तो ये जो नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पिरामिड को शो करते हैं तो उसके केस में क्या होगा, हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो नंबर में ज्यादा होंगे, देन कंज्यूमर्स, देन टॉप कार्निवोर्स। यही तो कहा कि आपके नंबर, जैसे ग्रीन ग्रासेस की बात करूं तो ग्रासेस क्या होंगी, नंबर में ज्यादा होंगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स थोड़ा कम होंगे, सेकेंडरी उससे और कम होंगे, टर्शरी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि टर्शरी उससे और ज्यादा कम होंगी। तो हमेशा अपराइटेड होता है यानी ऊपर की तरफ होता है, जिसकी संख्या यानी लास्ट जो टॉप कार्निवोर्स हैं उसमें संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी संख्या के आधार पे पिरामिड का आकार, ठीक है ओके। अब अगर ये पर्टिकुलर किसी ट्री का पिरामिड है, अगर अगर ठीक है, नंबर ऑफ पिरामिड की बात करूं तो जब हम ग्रासेस के लेवल पे बात की तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र होता तो, किसी पेड़ का इकोसिस्टम होता तो उस कंडीशन में क्या होता। देखिए पेड़ एक है यानी प्रोड्यूसर एक है, ये उल्टा और सीधा दोनों ही हो सकता है, ठीक है। जो नंबर पिरामिड, नंबर ऑफ का पिरामिड है यानी संख्या का पिरामिड है, वो उल्टा और सीधा दोनों तरह का बन सकता है, ठीक है। अब उल्टा और सीधा दोनों तरह, इसका कोई पीपीटी में जिक्र नहीं है, जस्ट स्किप फ्रॉम माय माइंड। सो आप, मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप सुनिए इसको। जो नंबर है पिरामिड का वो आपका उल्टा या सीधा दोनों बन सकता है। अब मैं समझाती हूँ, जैसे मैंने सीधा तो आपको बता दिया, लेकिन उल्टा कैसे बनेगा, आप ये समझिए। मुझे केवल, मैंने आपसे कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक इकोसिस्टम होता है। अब एक पेड़ का अपना एक इकोसिस्टम होगा, अगर पेड़ का इकोसिस्टम कहूं तो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए बड़ा सा एक पेड़ है तो वो संख्या में क्या है, एक है, वन है, ठीक है। अब उसमें जो बर्ड्स हैं, ऐसे समझिए, हाँ, वो उसमें बर्ड्स क्या होंगी, और उसके दानों को खाने के लिए जो बर्ड्स आ रही हैं वो क्या होंगी, वो संख्या में ज्यादा होंगी, ठीक है, वो संख्या में ज्यादा होंगी। लेट्स सी, वो 12, 15, 20 थी, ठीक है। अब
वो बर्ड्स किसे फीड कर रही है, उसके जो पेड़ में जो बीज है उसे खा रही है, यानी प्रोड्यूसर क्या हुआ आपका पेड़ है, और कंज्यूमर क्या होगी आपके बर्ड्स हो गए। बर्ड्स की बॉडी में कुछ इंसेक्ट आ गए, तो वो इंसेक्ट क्या होंगे, वो ऐसे समझ लीजिए कि एक बर्ड की बॉडी में 10 इंसेक्ट हैं, तो 20 की में कितने होंगे, 200 इंसेक्ट हो गए, तो वो नंबर में क्या हो गया और ज्यादा हो गए। अब इन बर्ड्स को खाने वाला एक बाज आ गया, चील। वो क्या है, अकेला है, लेकिन वो सारी की सारी बर्ड्स को क्या कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आपने कहा कि ये उल्टा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, जब नेक्स्ट आपके बात करते हैं बायोमास, एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड जो होता है, यानी पर्टिकुलर किसी एनर्जी पिरामिड आप देख रहे हैं, बायोमास पिरामिड, दोनों में आप देख रहे हैं बायोमास और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। एनर्जी का जो पिरामिड शो करेगा, यानी पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है। ठीक है, यानी आपने कहा कि एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी है, फॉस्फोर यानी कंज्यूमर्स को। अब जो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है कि हर एक लेवल से दूसरे लेवल में जब आपका मूवमेंट होता है तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है केवल 10% का होता है, तो टॉप कार्निवोरस में एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसीलिए जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइटेड बनेगा, यानी ट्राइंगल फॉर्म में बनता, वो इन्वर्टेड फॉर्म में कभी नहीं बनता। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड अपराइटेड होता है, हमेशा अपराइटेड बनेगा, यानी ट्राइंगल फॉर्म में बनेगा, डाउनवर्ड या इनवर्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, बायोमास का ज्यादा हो सकता है। अब कैसे ज्यादा हो सकता है, बायोमास मतलब क्या हुआ, बायोमास मतलब उसका वेट। ठीक है, जीवों का सकल भार यानी उनका जो वेट है। अब आप ये इस एग्जाम्पल में देखिए तो ओक का पेड़ है, इसके पेड़ के में कैटरपिलर्स हैं, और उन कैटरपिलर्स को आपका ब्लूटिट है, ब्लूटिट को स्पैरो ऑक है, तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसका वेट क्या होगा, पेड़ का वेट सबसे ज्यादा होगा, देन कैटरपिलर का वेट उससे कम होगा, फिर ब्लूटिट का वेट उससे भी कम होगा, और जो स्पैरो नॉर्मली क्या होंगे, नंबर में कम होंगे, तो उसका वेट भी कम होगा। तो बायोमास का पिरामिड अपराइटेड और डाउनवर्ड दोनों ही हो सकता है। डाउनवर्ड कैसे होगा अभी बताते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो एक्वाटिक इको डाउनवर्ड कैसे होगा, देखिए एनर्जी का तो अपराइटेड होता है हमेशा, लेकिन बायोमास का डाउनवर्ड हो सकता है, कैसे होगा देखिए। आपने कहा कि एनर्जी जो क्रिएट करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, कहूँ तो जो लाइकेन्स होते हैं या जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, अब उसको आपके जो शाकाहारी मछलियां क्या होंगी, जो हर्बिवोरस भी होंगी ना, कुछ मछलियां ऐसी भी तो होती हैं जो आपके केवल उनको फीड करती हैं, केवल हर्ब्स को फीड करती हैं, तो वो जो मछलियां होंगी वो किस पे फीड करेंगी, इन वाटर प्लांट्स पे फीड करेंगी, लेकिन सेकेंडरी जो आपके प्रोड्यूसर्स सॉरी कंज्यूमर्स होंगे वो क्या होंगी, ऐसी मछलियां जो इन मछलियों पे फीड करेंगी, यानी मछलियों को खाएंगी, यानी कार्निवोर्स होंगी, और उनको फीड करने वाली बड़ी मछलियां। तो नॉर्मली अगर वेट पे जाऊं तो प्लांट का वेट सबसे कम होगा, शाकाहारी जो मछलियां होंगी उसका उससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा बायोमास क्या है, वेट है। ठीक है, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वेट सबसे कम होगा, सेकंड में उससे थोड़ा ज्यादा होगा। जो मांसाहारी मछलियां होंगी नेचुरली वो संख्या में ज्यादा होंगी, तो उनका वेट और ज्यादा होगा, लेकिन जो और उससे ऊपर यानी टर्शरी जो कंज्यूमर्स होंगे वो उनका वेट और ज्यादा होगा, क्योंकि वो बड़ी मछलियां होंगी, बड़ी मछलियों का वेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये अपराइटेड एंड दोनों ही हो सकते हैं, यानी आपका जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइटेड और इन्वर्टेड दोनों फॉर्म में हो सकता है, केवल एक एनर्जी ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइटेड होता है, आपको याद रहना चाहिए। और अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहूँ तो हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से आप देख रहे होंगे
ये बायोमास के पिरामिड में लिखा है 100%, 10%, 1%, 0.1। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये क्यों है, तो वो इसलिए है, ये जो आपकी एनर्जी पहले टॉपिक लेवल पे होगी वो क्या होगी, 100% होगी, लेकिन उसके बाद वो केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। आप देखिए 10% लिखा हुआ है मैंने, कैटरपिलर वाला जो पोर्शन है सेकेंड, इसमें फर्स्ट लेवल से जो ट्रांसफर हुई केवल 10%। अब 10% का फिर से 10% कीजिए 1% होगा, 1% का फिर 10% कीजिए 0.1%, तो एक ट्रॉफिक लेवल से, ये केवल इस बायोमास के केस में नहीं है, हर केस में किसी भी ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 10% ही मूव करती है, उससे ज्यादा नहीं करती। ओके, नेक्स्ट वन इस दोनों की अगर बात साथ में करें तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये अगर मैं इसको उस फॉर्म में कहूँ कि बायोमास के फॉर्म में कहूँ तो इसका वेट ज्यादा होगा, नेचुरली इनका वेट कम होगा, और अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में कहूँ तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी है, ये केवल 10% यानी 100 किलो कैलोरी जाएगी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, देन 10 किलो कैलोरी जाएगी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और ओनली टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगी 1 किलो कैलोरी, यानी अब बायोमास का जो पिरामिड, सॉरी आपका जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो अपराइटेड होगा। लेकिन इसी के केस में देखिए आप बायोमास का पिरामिड क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ बायोमास घटेगा। ओके, अब बात कर रहे थे इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, हमने एक आपका टॉपिक किया था इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, बहुत इजी है, बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी करती है। कॉम्पिटिशन, नॉर्मली क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम में कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो सर्वाइवल, आपने फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल आपने बहुत पहले डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कि जो आपका फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, यानी दो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अपने रहने के लिए, अपने सुटेबल कंडीशंस के लिए, जब पर्टिकुलर किसी रिसोर्स के लिए क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, उसे कॉम्पिटिशन कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। जब दो ऑर्गेनिज्म को इस किसी भी सेम स्पीशीज के या अलग अलग स्पीशीज के, जब पर्टिकुलर किसी रिसोर्स के लिए एक, या अब ये रिसोर्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, या आपके फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, शेल्टर के लिए जब वो आपस में कॉम्पीट करते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिशन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन देखिए, एक टर्म आप न्यूज सुनेंगे NICHE, निश। निश और हैबिटेट दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए निश आपका है कि इकोलॉजिकल निश, इसमें दोनों चीजें होंगी। ठीक है, जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है प्लस उसका पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या रोल है, जब दोनों चीजों की बात करेंगे तो वो निश है, और हैबिटेट इज जस्ट अ लोकेशन ऑफ दैट स्पीशीज, कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर जब रहता है। मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं यहाँ पर रहती हूँ लेकिन मेरा उस जगह पे रहने का क्या रोल है, वो जब बात करेंगे तो वो निश्चय है। ठीक है, लेकिन जब हम केवल उसके स्टे की बात करेंगे तो वो क्या है, आपका हैबिटेट है। जैसे इकोलॉजिकल निश की बात करो तो सनफ्लावर जो है आपका बैकयार्ड में ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हैं इसमें 3 पिक्चर्स हैं, ये लाइट और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, ये अदर ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड फॉर्म करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स को क्या दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है प्लस फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। किसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, बीज को कर रहा है, आंट को कर रहा है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एटमोसफेयर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तीन चीजें, यानी वो केवल वहां पर आपके गार्डन में केवल है नहीं, सनफ्लावर का जो प्लेस है वो आपके गार्डन में है लेकिन उस गार्डन में रहकर वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो बीज आंट के लिए शेल्टर फूड लाइट ये प्रोवाइड कर रहा है, और इम्पोर्टेंटली वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है आपके एरिया के लिए, आपकी लोकैलिटी के लिए। ठीक है, इकोलॉजिकल निश मतलब आपका सिंपली कहना चाहिए कि हैबिटेट, मैंने आपको समझा दिया, ये बात हमने समझा दी कि आपका अगर किसी एरिया में, किसी सॉइल में वॉर्म्स है, ऐसे समझ लीजिए किसी सॉइल में वॉर्म है तो कहाँ है आपके जो कीड़े हैं वो कहाँ है, सॉइल में है। ठीक है, या कहना चाहिए जो अर्थ वॉर्म है वो कहाँ है, सॉइल में है, लेकिन वो अर्थ वॉर्म सॉइल में है ये केवल उसका हैबिटेट है, लेकिन अगर आपसे कहें निश कहाँ है उसका, तो ये आपके पर्टिकुलरली वो कहाँ रहता है केवल इस एनालॉजिकली केवल उसी पर डिपेंड नहीं करता, ये वो भी बताएगा कि आपका ये उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ह्यूमस फॉर्मेशन का काम कर रहा है। आपने ह्यूमस टर्म सुनी है, यानी ह्यूमस फॉर्मेशन का, कॉकरोच जो होता है आपका वो ह्यूमस फॉर्मेशन का काम, सॉरी
केचुआ आपका ह्यूमस फॉर्मेशन का काम कर रहा है, यानी आपके सॉइल को फर्टाइल बना रहा है। सॉइल फर्टाइल बनेगी तो आपका जो प्लांट होगी उसकी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। देन नेक्स्ट प्रिडेशन, थोड़ा फास्ट करती हूँ, इसे बहुत लंबा हो गया। प्रिडेशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म ठीक है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीड लेता है, कैप्चर एंड फीड, किसी को पकड़ता है और उससे फीड लेता है यानी उसे खाता है ना। जनरली हम कार्निवोरस जो हमने बात की उसे हम, अब प्रिडेशन में दो टर्म्स होती है, एक प्रिडेटर होता है एक प्रे होता है। प्रिडेटर वन दैट डज किलिंग, जो मार रहा है, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि आपने स्नेक ने क्या किया, फ्रॉग को खा लिया, तो स्नेक क्या है आपका, प्रिडेटर है, और प्री क्या है आपका, प्रे है आपका फ्रॉग, ठीक है। देन उसके बाद है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी दो स्पीशीज जब आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रिलेशन में होती हैं, म्यूचुअली मीन्स दोनों एक दूसरे को फायदा दे रही हैं, ठीक है, दोनों स्पीशीज बेनिफिट कर रही हैं, जैसे इंसेक्ट एंड फ्लावर्स एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, ठीक है। आपका हनी बीज की अगर बात करूं तो आपने कहा उनके बीच में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी आपके हनी बीज वहां से क्या ले रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, उनके बीच में म्यूचुअल है, सिम्बायोसिस है, जब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल सिम्बायोसिस। देन नेक्स्ट आपका है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता, इसमें क्या है, एक मेंबर जो होगा वो उसको बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, ना तो कोई बेनिफिट होगा और ना उसको कोई नुकसान होगा। तो ये जैसे बार्निकल्स आप देख रहे हैं, अगर ये पिक्चर आप देख रहे हैं व्हेल की बॉडी में, जो ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बार्निकल्स कहते हैं, ये व्हेल की बॉडी में होते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये कॉमनिज्म है, ये बॉडी में अटैच होते हैं व्हेल की, पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, ना तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही उसकी कोई हेल्प करते हैं, सिंपली बस उसमें क्या होता है, हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिंपली ऐसे बेनिफिट। एंड इसमें केवल आपका क्या रहता है कि व्हेल की बॉडी में जब बार्निकल्स होते हैं तो व्हेल अगर कहीं पे वॉटर में मूव कर रही है तो ये कहीं किसी भी सतह पे बिना उसको रगड़ उसको नहीं लग के, टच किए बिना ये निकल जाते हैं, बार्निकल्स उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये है आपका कम्युनिज्म, ठीक है, सहभोजिता, ठीक। जैसे ये है एक एग्जाम्पल और है इसमें, ऐसा समझ लीजिए कि बर्ड्स मतलब दूसरे प्लांट उसको नुकसान कुछ नहीं है लेकिन दूसरे को उससे बेनिफिट मिल जा रहा है। जैसे बर्ड्स ने क्या किया, अपना नेस्ट जो है वो प्लांट के ऊपर बना लिया, तो प्लांट को उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ लेकिन बर्ड्स को रहने की जगह मिल गई, पर उसको भी सेम थिंग। आपका रेमोरा फिश जो होती है वो शार्क के बॉडी पे अटैच रहती है, तो शार्क की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन उसको जो है फ्री राइड, यानी उसको खुद मूव नहीं करना पड़ता, तो शार्क के साथ ऐसे ही मूव कर जाती है। ये कॉम्युनिज्म के एग्जाम्पल्स है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पैरासिटिज्म। पैरासाइट बहुत खतरनाक है, वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन दी ऑन और इनसाइड दी अनदर ऑर्गेनिज्म। वो इसमें दो चीज होती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहेगा या अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, एंड हार्म इट, और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। ये आपका उसकी जो भी न्यूट्रिशनल नीड है होस्ट से सब लेता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। जैसे इसका एग्जांपल है फ्लीज ऑन दी ऑन अ बॉडी ऑफ डॉग, ये जो फ्लीज होंगे वो क्या करेंगी, सारा न्यूट्रिशन भी उससे लेंगी, खाना भी उसी से खाएंगी और उसको परेशान भी करेंगी, ये है आपका पैरासिटिज्म, ठीक है। सो थैंक यू।